गोरों को गोरों के देश में घुसकर मारा है इंडिया ने आज, और बड़ी फतह हासिल की है टीम इंडिया ने। इंडिया ये जो ये वाली टीम इंडिया ना, मैं विदाउट एनी डाउट कह सकता हूं कि ये इंडिया की हिस्ट्री की बेस्ट टीम है। तो जनाब कमाल कर दिया इंडिया ने इस सेशन में, एंड आई डोंट नो व्हाट इट क्रेडिट जाना चाहिए इंडिया की पहली इनिंग्स में 90 पे आउट होने के बाद जिस तरह उन्होंने बाकी चार दिन क्रिकेट खेली है, तो क्रेडिट जरूर। टीम इंडिया ने एक बार फिर की है हिस्ट्री क्रिएट, गोरों को गोरों के देश में घुसकर मारा है इंडिया ने आज, और बड़ी फतह हासिल की है टीम इंडिया ने। इसको आप नो डाउट एक हिस्ट्री क्रिएशन कह सकते हैं, बड़ा कमाल किया है। जो शार्दुल ठाकुर है, क्या गोल्डन बॉय बने हैं जी वो इंडिया के, बोथ इन बैटिंग एंड बॉलिंग, और ऐसा रिच टैलेंट है यार, जिस खिलाड़ी को उठा के लाते हैं वो खिलाड़ी छा जाता है, कमाल कर देता है, ऐसी कमाल की नरिशमेंट करते हैं वो अपने टैलेंट की। पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी सीखना चाहिए कि हम भी अपने टैलेंट को नरिश करें, उसको प्रॉपर तरीके से बनाकर आगे लेकर के आए, कि पीछे जो बैठा हुआ बैक बेंच है ना, उसकी भी एक टीम पूरी बना के दुनिया की किसी टीम से लड़ाई जा सके। इतना जबरदस्त कंपटीशन मैंने टीम इंडिया में देखा, कमाल। और जिस तरह से कोहली लीड कर रहे हैं टीम इंडिया को, क्रेडिट गोज टू हिम। ओवरऑल आप देखें 191 फॉर ऑल आउट से आप स्टार्ट करें, और फिर जो है वो 367 रन का टारगेट इंग्लैंड को देना, और फिर इंग्लैंड के अच्छे खासे बैटिंग अटैक के ऊपर बॉलिंग कंडीशंस में जो हथियार है सब कॉन्टिनेंट वाला, रिवर्स स्विंग वाला, वो हथियार यूज करके ये जीत हासिल करना बहुत बड़ी कामयाबी है टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया को मुबारकबाद देनी बनती है, और ना सिर्फ टीम इंडिया को मुबारकबाद देनी बनती है बल्कि इंडियन क्रिकेट फैंस को भी मुबारकबाद देना बनती है कि वो अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट करने की एक वजह भी है कि उनका एक प्रॉपर सिस्टम बन गया है। एक वक्त ऐसा था कि ऑब्वियसली जब वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला करते थे तो पाकिस्तानी टीम फेवरेट होती थी, लेकिन 2000 के बाद से जाकर के अब तक उन्होंने बहुत चेंज किया है अपनी क्रिकेट को, और बहुत ज्यादा उस पर इन्वेस्ट भी किया है, और बेस्ट ब्रेन्स लेके आए हैं अपनी क्रिकेट में। हमारी तरह मिसबा और वकार के ऊपर नहीं डाला कि 2 साल पूरे का पूरा सत्यानाश फेर के हमारी क्रिकेट को, और अब T20 वर्ल्ड कप से पहले वो कह रहे हैं जी हम मुनासिब नहीं समझते कि हम आपकी टीम की कोचिंग करें। तो ये वाला हिसाब वहां पर नहीं होता। वहां पर अगर शास्त्री है तो वो शास्त्री है, वहां पर अगर विराट कोहली 2 साल से सेंचुरी नहीं कर रहा, 2 साल से उसकी एवरेज डाउन है, तो वो आज भी कप्तान है। वहां पे क्लास देखी जाती है, वहां पे फॉर्म की बात नहीं की जाती। हमारे यहां थोड़ी सी फॉर्म खराब हो मोहम्मद आमिर की तो हम कहते हैं बाहर निकाल दो इसको टीम से, बाहर कर दो इसको टीम से। आज जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर पे किया है, बहुत ही क्रूशियल विकेट्स हैं वो दोनों, ऑली पॉप की और जॉनी बेरिस्टो की, जो बुमराह ने लिए, और मैच में वापस लेके आया अपनी टीम को। ऐसा लग रहा था मैच शायद ड्रॉ हो जाए, शायद इंग्लैंड जीत जाए, शायद ड्रॉ हो जाए, इंडिया के तो चांसेस ही नजर नहीं आ रहे थे आज दिन के स्टार्ट में, लेकिन क्या शानदार कमबैक किया। आपको टीम इंडिया ये जो ये वाली टीम इंडिया ना, मैं विदाउट एनी डाउट कह सकता हूं कि ये इंडिया की हिस्ट्री की बेस्ट टीम है, बल्कि मैं ये कहने में भी मुझे कोई अर्ज नहीं है कि ये दुनिया की बेस्ट टीम है, इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट आप कह लीजिए, इक्का दुक्का जो एक्सेप्शन उसके। इंग्लैंड के अंदर जीत चुका है, क्रिएट कर दिया ओवल में, लंदन के दोनों ग्राउंड्स पे इंडिया ने झंडे गाड़ दिए हैं पहले, और जो है वो लंदन में जीत ली और उसके बाद ओवल में भी ले लिया है, और इंग्लिश टीम कुछ नहीं कर सकी। अनबिलीवेबल विक्ट्री, कल जिस तरीके से इंग्लैंड टीम ऊपर आई थी और आज जो विक्ट्री मिली है ओवल का टेस्ट, भारतीय टीम ने 157 रन के ह्यूज मार्जिन से जीत लिया है। टीम इंडिया टेक अप, और आज ये प्रूव हो गया अली कि भारतीय टीम की जो गेंदबाजी है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो स्टिल दुनिया की नंबर वन गेंदबाजी है। इसमें मजा आ गया जी, मजा नहीं था स्टिल की जितनी तारीफ की जाए कम है। उमेश यादव आज बॉलिंग यूनिट की जो बात कर रहे हैं, इंडिया की क्यों नंबर वन बॉलिंग है, यादव ने आखिरी विकेट निकाला है, 3 विकेट उमेश यादव के, 2 बुमराह के, 2 जॉइंट विकेट, ह्यूज फिश जो है वो पकड़ी है
आपके ठाकुर ने, जड्डू ने भी बॉल स्पिन किया है आज, कंडीशन थोड़ी ड्राई हो गई थी। और भाई किसी ने नहीं छोड़ा आज, किसी ने कोई माफी शाफी नहीं दी आज, आज सबको तुन के रखा है, चाहे आपके रूट हो जाए, जो मर्जी हो जाए। जस्सी ने जिस तरह की आज यॉर्कर्स मारे हैं, आज जिस तरह बॉले रिवर्स स्विंग की है इंडिया ने, छा गए इंडिया ठा करके। बहुत बड़ी जीत है अली, बहुत बड़ी जीत है, और इंग्लैंड का ख्वाब चिकनाचूर हो गया है। भारत ने टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में 2-1 हो चुका है, हार नहीं सकता इंडियन टीम अब टेस्ट सीरीज। अगर बहुत बुरा खेलते हैं आखिरी टेस्ट में तो ड्रॉ हो सकती है सीरीज, लेकिन इंग्लैंड का मुख सपना भाई अब ये टूट गया। अब ये ऊपर चढ़ेंगे इनके, और अब ये सीरीज भी यहां से लेकर जाएंगे। टूट गया सपना। ऑस्ट्रेलिया से जो कहानी शुरू हुई थी वो कहानी खत्म नहीं हुई है। को बहुत ज्यादा, क्योंकि जी इंडिया जिस तरह खेला है और जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा है और अवे परफॉर्मेंस दे रहा है, और स्पेशली क्रेडिट जाना चाहिए इंडिया की टीम को, क्योंकि जी पहली इनिंग्स में 190 पे आउट होने के बाद जिस तरह उन्होंने बाकी 4 दिन क्रिकेट खेली है, तो क्रेडिट जरूर जाता है इनको। और मैं ये देखो लोग सारे परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, लेकिन एक जो कप्तान होता है ना, कि उसके ऊपर प्रेशर भी सारा बहुत ज्यादा होता है, और वो सारी टीम से परफॉर्मेंस भी बोले, जिस टाइम भी टीम है ना नीचे से अंडरडॉग हो और फिर वापसी आए, तो इसमें कप्तान का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो मैं कहूंगा कि जी विराट ने बहुत जबरदस्त तरीके से ना टीम को अपने किया, क्योंकि जी यंग उसके पास प्लेयर्स थे, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे, यंग प्लेयर्स भी थे, लेकिन उन्होंने सारों को बहुत अच्छा मैनेज किया, और किसी भी टाइम वो फील्ड में ना आपको डिमोरलाइज नहीं लगा। कि इसने वो 190 पे आउट होने के बाद भी आया था, उसका जो उनकी एग्रेशन थी वो वही थी, जिससे देखो टीम में ना कप्तान की बॉडी लैंग्वेज चलती है। अगर कप्तान में एग्रेशन होगी, कप्तान पॉजिटिव सोच रहा होगा, तो सारी में यली ट्रेवल करेगी। तो ये पहली इनिंग से दिख रहा था, हालांकि इस विकेट पे इस कंडीशन में 100 रन की लीड के बाद बैटिंग करना बड़ा मुश्किल चीज थी। क्योंकि जी रोहित शर्मा को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उसने बैटिंग की है, प्रेशर में बैटिंग की है, जिस तरह का वो स्ट्रोक प्लेयर है, उसने अपने स्ट्रोक्स को रोक के टीम के लिए कि जी डिफेंसिव होकर खेला, बड़ा जबरदस्त खेला। दूसरे लोगों ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन एक नाम मैं आपको कहूंगा, क्योंकि जी जो ये ठाकुर है, कि जो इसकी दोनों इनिंग्स थी, जो इसने मौके पे खेली और जो इसने क्रूशियल विकेट ली है, तो ये कोई बहुत अट्रैक्टिव प्लेयर नहीं है, लेकिन बहुत इफेक्टिव प्लेयर मुझे लगा कि ये इफेक्टिव है, क्योंकि जी टीम के लिए ना मौके मौके पे ना, जहां उसको विकेट की जरूरत पड़ती थी वहां वो ये विकेट ले जाता था, जहां स्कोर की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि जो इसका पहली इनिंग्स में भी 50 था ना, वो बहुत क्रूशियल था, क्योंकि जी अगर कहीं वहां इंडिया 130 पे 40 पे आउट हो जाती तो फिर कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन इसके दोनों इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स भी इसकी इसने 60 रन किए हैं, बड़े जबरदस्त हैं, और जो स्पेशली इसने दूसरी इनिंग्स में आके रूट को आउट किया है और जो पहला ब्रेक थ्रू दिया है, तो मेरे ख्याल में जहां भी कहीं गेम चेंज हुए उसमें ठाकुर का नाम था। सो बड़ा जबरदस्त इसने परफॉर्मेंस दी है, और मैं बाकी सारे बॉलर्स का, यादव ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग, सारों से बेहतर क्वालिटी ये लग रही थी, क्योंकि जिस टाइम ये आखिरी ओवर भी कर रहे थे तो एनर्जी लेवल बहुत हाई था। स्वराज ने कोई इस टेस्ट में बहुत ज्यादा आउट नहीं किए, लेकिन जिस टाइम भी विराट ने उसको बुलाया, एनर्जी लेवल तो, और ये बुमराह ने तो खैर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, जडेजा ने, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो उनकी एफर्ट है ना इंडियन टीम की, तो हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस टाइम आप इस तरह की एफर्ट, इस तरह की क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं ना, तो फिर जीत आपके पास है ना खुद आना शुरू हो जाती है। तो ये तो अभी अनलकी रहेगी, कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले टेस्ट मैच में अगर बारिश ना होती तो मेरे ख्याल में इंडिया ने स्कोर चेज कर जाना, ये 3-1 हो जाना था। तो ये क्रिकेट बड़ी जबरदस्त खेल रहे हैं, क्योंकि जी लड़की है ना वो, और ये टीम जो देखने में आ रही है, कि लोगों को भी इसको इस चीज को देखना चाहिए, कि जिस तरह रोहित शर्मा खेला या केएल राहुल खेला या ये विराट खेल रहा था, कि आप T20 भी खेल रहे हैं, ODIs भी खेल रहे हैं, टेस्ट मैच, तीनों फॉर्मेट को अपनी जगह पे रख के खेल रहे हैं, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। कि यूजली जिस टाइम आप है ना एक फॉर्मेट खेलना शुरू होते हैं, जितना आजकल T20 ज्यादा हो रहा है या वनडे ज्यादा हो रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये टेस्ट मैच में आप टेस्ट मैच की तरह खेल लें, कि विकेट पे स्टे करें। लेकिन ये वाली चीज है ना बड़ी जबरदस्त देखने में आई है, और इंडिया को इस चीज की मुबारक हो, बड़ी जबरदस्त खेल रहे आखिरी टेस्ट मैच, लेकिन एक टेस्ट दो टेस्ट मैच के बाद है ना इंग्लैंड ने भी कम बैक किया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक किया था, तो आखिरी टेस्ट मैच भी ऐसा नहीं होगा कि जी कोई वन साइडेड होगा, लेकिन ये कि